और बता दें आपको, अगर ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो एस गोल्ड डीजल वेरिएंट है उससे ये गाड़ी लगभग आपको 1 से 1.25 लाख सस्ती देखने को मिल जाती है। फुल्ली डिजिटल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। उसके साथ सर ये जो टाटा एस गोल्ड CX पेट्रोल वेरिएंट है सर, इसकी जो अभी ऑन रोड प्राइस हो रही है 2023 में कितनी होने वाली है बताइए हमें। और सर अगर चाहें इसे फाइनेंस कराना तो कम से कम हमें डाउन पेमेंट बताइए, कम से कम डाउन पेमेंट कितने लगेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू अली, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू अली ब्लॉग्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंपनी तरफ से आने वाले टाटा एस गोल्ड CX पेट्रोल वेरियंट की। इसकी हमने डीजल और CNG वेरियंट जो है उसकी भी रिव्यू कर रखी है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हैं। आज बात करते हैं इसकी जो छोटा हाथी पिकअप है ये पेट्रोल वेरिएंट है, इसी की आज हम बात करते हैं और बताते हैं इसके ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स और इसके जो ऑन रोड प्राइस है और इसे आप फाइनेंस वगैरह कैसे करा सकते हैं, ये तमाम सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको इस छोटे हाथी पिकअप ट्रक की देने वाले हैं। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी फ्रंट लुक की। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे फ्रंट लुक है काफी शानदार, यहाँ पे फ्रंट लुक इसमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो टाटा एस गोल्ड है इसके मुकाबले इसकी जो लुक है काफी अच्छी आपको और काफी प्रीमियम थोड़ा सा ऊंचे मतलब सेगमेंट की ये पिकअप ट्रक आपको देखने में लगती है, काफी अच्छी इसकी लुक सामने तरफ निकल के आती है। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बड़ा सा आपको विंडशील्ड मिलती है, उसके साथ मिल जाता है यहाँ पे आपको दो वाइपर इसे क्लीन करने के लिए, और दोनों साइड देख सकते हैं आपको मिल जाता है ब्लैक ओआरवीएम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ब्लैक रफ में, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ब्लैक रफ फिनिश में आपको काफी अच्छा एक स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, जिसकी जो इसकी लुक है उसे काफी इन्हेंस करती है। और यहाँ पे देख सकते हैं एयर वेंट्स टाइप का यहाँ पे आपको एरोडायनामिक शेप मतलब बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा ये देखने में लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलता है टाटा एस की बैजिंग जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है, और यहाँ पे मिल जाती है आपकी गोल्ड की बैजिंग। सेंटर पे आपको मिल जाता है देख सकते हैं टाटा की लोगो, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ इस तरह का हॉनीकॉम ग्रिल यहाँ पे ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मिलता है आपको नंबर प्लेट लगाने का स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे पतली सी व्हाइट रिफ्लेक्टर पट्टी देखने को मिलती है, और दोनों ही साइड देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपको फॉग लैंप लगाने का स्पेस मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का आपको फ्रंट लुक देखने को इस पिकअप ट्रक में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का इसके साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं आपको मिलता है CX का यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। ये जो पिकअप ट्रक है ये पेट्रोल वेरियंट है, और देख सकते हैं अगर बात करें इसकी जो टायर प्रोफाइल साइज की है बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है 145R12 यानी 12 इंच के यहाँ पे टायर मिल जाते हैं। आपको आगे तरफ देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाता है दो दो यहाँ पे कमानी पट्टी आगे की तरफ मिलता है, और दो दो कमानी पट्टी आपको पीछे तरफ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको शॉक सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि काफी मजबूत देखने में लगता है और काफी मजबूत भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा आपको टर्न इंडिकेटर छोटू सा यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे मिलता है आपको रफ ब्लैक में यहाँ पे डोर हैंडल इसका देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह का देखने को मिलती है। पीछे तरफ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका जो एयर फिल्टर वगैरह है, और यहाँ पे आपको एयर इनटेक पाइप वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और पीछे के टायर की बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं पीछे टायर भी आपको अपोलो कंपनी की मिलती है 145R12 यानी 12 इंच के टायर यहाँ पीछे तरफ भी देखने को मिल जाता है। और कुछ इस तरह का आपको फेंडर मिलता है जो कि फाइबर का है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको आयरन में नहीं फाइबर में इसका फेंडर मिलता है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको पेट्रोल टैंक, देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेट्रोल की बैजिंग मिलती है, उसके साथ आपको E20 की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है जिसे देख कर पता लगता है कि ये BS6 फेज 2 वाला वेरिएंट है, और इसमें आप लगभग 26 लीटर तक पेट्रोल फिल करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको साइड प्रोफाइल इसमें देखने को मिलती है। और बात करें इसकी डेक की, कार्गो डेक की, तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 5 फीट चौड़ी और यहाँ पे 7 फीट लंबा इसकी कार्गो डेक मिल जाती है जो कि टाटा एस गोल्ड मैजिक देख सकते हैं यहाँ पे जो डीजल वेरियंट है इसमें भी सेम डेक मिलता है, और देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको सेम डेक देखने को मिल जाती है। इस डेक में लगभग आप लगभग एक टन तक इसमें आराम से इसमें लोडिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इसकी डेक मिल जाती है। और बात करें इसकी जो बैक प्रोफाइल है, बैक में देख सकते हैं क्या क्या मिलता है, तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे बैक में आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे क्लिप वगैरह
वाला है, देखने को हैंडल मिल जाता है जिसे आप अपने डेक को खोल सकते हैं। सेंटर में मिल जाता है आपका टाटा का बैजिंग और यहाँ पे आपको रेड रिफ्लेक्टर पट्टी मिल जाती है जो कि रात के समय आपके विजिबिलिटी को इन्हांस करता है। और यहाँ पे मिलता है आपके पार्किंग लैंप, देख सकते हैं यहाँ पे हाइलोजन में मिल जाता है। और इसमें आपको दो पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। नीचे तरफ आपको स्टेपनी टायर मिलता है, यहाँ पे आपको टेल लैंप का सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि हाइलोजन में है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर और ब्रेक लैंप और टर्न इंडिकेटर लाइट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हाइलोजन में देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का आपको जो बैक प्रोफाइल है कुछ इस तरह का देखने को इसमें मिलती है जो कि काफी अच्छी है। बैक प्रोफाइल में अगर बात करें तो टाटा एस गोल्ड में भी सेम बैक प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाता है। और आइए अब बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं इसकी व्हील बेस की तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2100 mm की व्हील बेस देखने को मिलती है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपको 160 mm की मिल जाती है। गाड़ी की जो लेंथ है पूरी लंबाई है तो वो आपको मिल जाती है 3800 mm की। और गाड़ी की अगर विड्थ यानी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे आपको इसकी 1500 mm की चौड़ाई देखने को मिल जाती है। गाड़ी की अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2100 mm की इसकी हाइट देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी ड्राइवर साइड केबिन की तो देख सकते हैं सबसे पहले ड्राइवर के केबिन के अंदर जाने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको डोर हैंडल मिल जाता है ब्लैक फिनिश में। और यहाँ पे आपको मिलता है लॉक अनलॉक का प्रोविजन और यहाँ पे आपको दो चाबियां कुछ इस तरह का मिल जाता है टाटा की बैजिंग के साथ। और आइए अब बात करते हैं इसके अंदर की, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले गेट खोलते ही आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे लुक देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं अगर सबसे पहले इसकी बदलाव की तो सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं जो BS6 फेज 2 वाला वेरिएंट है इसमें काफी बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्टेयरिंग में बदलाव देखने को मिल जाएगी। ये स्टेयरिंग जो है पहले से मतलब मैनुअल स्टेयरिंग है लेकिन पहले से स्मूथ और काफी आरामदायक इसमें स्टेयरिंग अब मिल जाती है। और इसकी और पहले पुराने वाले सीट की बात करें तो देख सकते हैं पहले इस तरह की आपको सीट देखने को नहीं मिलती है, अब कार की तरह इसमें सीट आपको देखने को मिल जाती है। और सीट जो है फ्लैट कर दिए गए, देख सकते हैं यहाँ पे आप लगभग 3 लोग भी आराम से इसमें बैठ सकते हैं। और अगर चाहे इस सीट को आप ऊपर नीचे एडजस्ट करना, हेडरेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं और सीट को आप आगे पीछे भी आराम से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हम आ गए हैं अंदर तो देख सकते हैं यहाँ पे अपने पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको फुल्ली डिजिटल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे मिलता है आपको स्पीडोमीटर और यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो फ्यूल का यहाँ पे कैपेसिटी वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। और इंजन का जो टेम्परेचर है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर लाइट का स्विच, यहाँ पे आपको बैटरी का इंडिकेशन मिलता है और यहाँ पे आपको फ्यूल और देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंजन चेक लाइट का यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप अपने ट्रिप मीटर को भी चेंज कर सकते हैं, ट्रिप ए टू बी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और देख सकते हैं स्टेयरिंग कुछ इस तरह का मिलता है, उसके साथ आपको सेंटर में टाटा के लोगो मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ। इसी के साथ आपको यहाँ पे हॉर्न इसमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है देख सकते हैं कार टाइप का यहाँ पे आपको गियर शिफ्टर दिया गया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यहाँ पे आपको गियर शिफ्टर दिया गया है जो कि काफी अच्छी है। और डैशबोर्ड देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे छोटा सा स्पेस मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए और छोटा सा यहाँ पे स्पेस मिलता है आपके मोबाइल वगैरह को रखने के लिए। यहाँ पे मिल जाता है आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है जिससे आप अपने मोबाइल को आसानी से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको म्यूजिक प्लेयर सिस्टम लगाने का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको छोटा सा आयर भी मिलता है और यहाँ पे आपको कैबिन लाइट भी मिल जाता है जो कि हैलोजन में आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा आपको सनवाइजर भी इसमें देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। इस साइड में देख सकते हैं आपको मिलता है ग्रैब हैंडल, अगर आपके को ड्राइवर हैं वो भी यहाँ पे ग्रैब हैंडल पकड़ के आराम से चल सकते हैं और उनके लिए भी सीट बेल्ट का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। और काफी अच्छा यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे अपने सामान वगैरह भी कुछ रख सकते हैं। पीछे तरफ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए कुछ इस तरह का आपको जाली वगैरह मिल जाता है और यहाँ पे आपको फिक्स्ड ग्लास देखने को मिलती है। अगर स्लाइडर विंडो रहता तो काफी अच्छी बात होती। अब आइए बात करते हैं इसकी इंजन की, तो यहाँ पे आपको 2 सिलेंडर 694 cc की BS6 फेज 2 वाला इंजन मिलता है जो की मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन पेट्रोल इंजन है। और इसकी अगर पावर की बात करते हैं यहाँ पे आपको 22 kW की पावर मिल जाती है, 30 से लगभग 30 HP की पावर मिलती है 4000 RPM पे। और बात करते हैं इसकी टॉर्क की तो यहाँ पे आपको 55 Nm का टॉर्क मिल जाता है 2500 RPM पे, तो काफी अच्छा यहाँ पे आपको इंजन वगैरह देखने को मिल जाता है। और बता दें आपको अगर ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो एस गोल्ड डीजल वेरियंट है उससे ये गाड़ी लगभग आपको 1 से 1.25 लाख सस्ती देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी जो ऑन रोड प्राइस वगैरह है उसके लिए अब बात करते हैं। तो आइए यहाँ पे हमारे साथ है मनोज सर। सर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। सर ये जो टाटा एस गोल्ड CX पेट्रोल वेरिएंट है सर, इसकी जो अभी ऑन रोड प्राइस हो रही है 2023 में कितनी होने वाली है बताइए हमें। 5,15,000। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको लगभग 5,15,000 में ये ऑन रोड पिकअप मिल जाएगी, काफी अच्छी बात है देख सकते हैं और काफी सस्ती यहाँ पे डील होने वाली है। और सर अगर चाहे इसे फाइनेंस कराना तो कम से कम हमें डाउन पेमेंट बताइए, कम से कम डाउन पेमेंट कितने लगेगी। 80,000।
तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आप कम से कम 80,000 रुपया डाउन पेमेंट करके इस पिकअप ट्रक को फाइनेंस करा सकते हैं। और सर इसमें अभी वारंटी वगैरह कुछ मिल रही है बताइए हमें, और सर्विस के बारे में बताइए। 2 साल 72,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है सर। कुछ सर्विस वगैरह भी है हमें मिलती है, तीन सर्विस फ्री मिल जाती है। देख सकते हैं आपको तीन सर्विस मिलती है फ्री, जो कि 10,000 किलोमीटर 20,000 और 30,000 पे आपको आके यहाँ पे कराना है, जिसकी सर कॉस्ट वगैरह तो कुछ नहीं लगेगी। तो देख सकते हैं काफी अच्छी यहाँ पे आपको डील हो जाएगी। और ये जो गाड़ी आपको देख सकते हैं यहाँ पे एस गोल्ड है, इससे लगभग ये 1 से 1.25 लाख रुपए सस्ती है, देख सकते हैं, और काफी अच्छी और पेट्रोल इंजन में आपको देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं तमाम सारी जानकारियां इस पिकअप ट्रक को आपको मिल चुकी होगी। और अगर चाहते हैं इस पिकअप ट्रक को आप लेना और देख रहे हैं अगर आजमगढ़ से, तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं सिंगल मोटर्स रानी के सराय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो इसी साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।